everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. Aaj hai 9th October 2024 and we're going to be seeing important articles from The Hindu and The Indian Express. So let's begin. But before we move ahead, let us see the comment section. जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चंस पूछा था उसके आंसर्स अभी हम डिस्कस करते हैं. सो फर्स्टली आई आस्क्ड यू विद रिगार्ड टू पीवीटीजीज, राइट, उसके लिए स्कीम कौन सा है. तो रिसेंटली हमने देखा है प्रधानमंत्री जनमन. ओके, जनमन का फुल फॉर्म दैट इज जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, राइट. ये पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के लिए है. और मैंने पूछा था कितने हैं ऐसे, देयर आर 75 एंड सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, ओडिशा में है, राइट. सो देयर आर 13 इन ओडिशा, नॉट 11, 13. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई आस्क्ड यू विद रिगार्ड टू द आईमेक, IMEC के मेंबर्स कौन से हैं. सो मेनी ऑफ यू ऑल हैव आंसर्ड इट एब्सोल्युटली करेक्टली. सो आई हैव गॉट द आंसर्स. यस, इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, EU, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, राइट. सो दीज आर द मेंबर्स, सिग्नेटरीज है. 2023 में ये इनिशिएटिव था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े अमंग दीज कंट्रीज, राइट. फ्रॉम इंडिया मुंड्रा पोर्ट गुजरात से लेके हम कनेक्ट करेंगे यहाँ यूरोप तक. सो दिस वॉज विद रिगार्ड टू द IMEC. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू इट. तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रायसीना डायलॉग के बारे में. नो, वॉट इज रायसीना डायलॉग. ये जो डायलॉग है ये एक कॉन्फ्रेंस जैसा होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस हर साल होता है न्यू दिल्ली में. पहली बार हुआ था 2016 में, ठीक है. सो दिस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. जो भी जियो पोलिटिकल इशूज चल रहे हैं, जियो इकोनॉमिक इशूज चल रहे हैं, ऑल ऑफ दिस गेट्स डिस्कस्ड. वी ऑल्सो सी दूसरे कंट्रीज के भी इम्पॉर्टेंट यू नो मेंबर्स आते हैं, फंक्शनरीज आते हैं इस डिस्कशन में. कौन इसके से ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइज बाय ORF, दैट इज अ दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फंड, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इन दोनों का ये कोलैबोरेशन है. सो दिस इज रायसीना डायलॉग. ऑलराइट, दीज आर द क्वेश्चंस. अगर आपके कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं एंड यू वांट मी टू गेट दैट आंसर्ड, प्लीज यूज द चैट बॉक्स एंड आस्क एंड वी विल इंश्योर दैट इट इज आंसर्ड फॉर यू. लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड ये है विद रिगार्ड टू द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राइट. तो अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं. सो बिफोर वी दैट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द अवार्ड, किसको ये मिला है एंड एवरीथिंग विद रिगार्ड टू दिस. सो फर्स्टली आपको ये पिक्चर में देखेगा, ओके, हु इज द विनर ऑफ दिस अवार्ड. यस, इट इज मिथुन चक्रवर्ती. तो इनको ये अवार्ड मिला है एंड दिस अवार्ड इज बेसिकली जो अभी दिया है ये पिछले टाइम का है. सो 2022 का है ये, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट दे ऑलवेज अनाउंस बिफोर एंड ये पिछले साल के अवार्ड्स होते हैं. जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो अभी इस साल दिए जाएंगे वो लास्ट ईयर के जो भी फिल्म थे उसके रिलेटेड होंगे, राइट. सो वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इज वेल. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? इट इज बेस्ड ऑन द फील्ड ऑफ सिनेमा, मूवीज, फिल्म इंडस्ट्री एंड ये दिया जाता है ड्यूरिंग द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी. सो वी नो अभी रिसेंटली 70th नेशनल फिल्म अवार्ड यू नो सेरेमनी था, राइट. 70th था ये. सो वी ऑल्सो गोइंग टू बी सम बेसिक्स, किसको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, राइट, दे कैन आस्क यू दिस विद रिगार्ड टू द 70th फिल्म अवार्ड. नाउ हु ऑर्गेनाइजेज दिस? दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? देयर इज नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट. सो जो हमारी मिनिस्ट्री है जो कम्युनिकेशन और सब देखती है, इंफॉर्मेशन देखती है, जो रेगुलेट करती है OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑल ऑफ दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. यहाँ पे आपको क्या मिलता है वंस यू गेट दिस अवार्ड? यू गेट एन अवार्ड द गोल्डन लोटस. इसके अलावा आपको 10 लाख का कैश प्राइज मिलता है एंड अ शॉल. सो दीज आर द awards that these are the recognitions that you get.
ये अवार्ड दिया गया था 1969 में, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसको ऑनर करने के लिए, दादा साहेब फलके. नाउ ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड दैट इज दादा साहेब फालके. वी विल अंडरस्टैंड हु इज दादा साहेब फालके आल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पूछेंगे पहला अवार्ड किसको मिला है, दैट इज देविका रानी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, देविका रानी, शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा. सो दिस वॉज विद रिगार्ड टू दादा साहेब फालके अवार्ड. अभी हम देखते हैं दादा साहेब फालके कौन थे. He is mainly full form यहाँ पे दिया है उनका पूरा नाम, धुंधराज गोविंद दादा साहेब फलके. 1870 में ये born हुए थे महाराष्ट्र में. okay, and he studied engineering and sculpture. और later उनको बहुत ही interest था with regard to movies. He was inspired after watching this movie called The Life of Christ in 1906. और उन्होंने एक मूवी बनाई खुद में, दैट्स इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र. ओके, सो ये आपको याद होना है. सो बिफोर गेटिंग इनटू फिल्म्स, ये इनका जॉब क्या था, ही वाज मेनली अ फोटोग्राफर और एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे एंड ही यूज्ड टू वर्क विद द फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा. आपने सुना होगा भारत माता ये पेंटिंग है, शकुंतला पेंटिंग है, ये राजा रवि वर्मा का फेमस वर्क्स है. सो ही यूज्ड टू वर्क विद दिस पर्सन. वी सी दैट ही हैज आल्सो गिवन अबाउट 95 फिल्म्स, 26 शॉर्ट फिल्म्स. सो दैट इज व्हाई ही इज राइटली कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. और उसी के ऑनर पे हम देते हैं दादा साहेब फालके अवार्ड इन द फील्ड्स ऑफ सिनेमा. Now let us understand about the National Film Awards, right? ये इसके विनर्स कौन हैं? ये हम डिस्कस करते हैं. So firstly, the play आटम करके था मूवी. So this has got the best feature film. Best actor मिला है ऋषभ शेट्टी को for the movie कंतारा. Best actress is नित्या मेनन and मानसी पारेख. So one is for तिरुचित्रम बलम एंड कच्छ एक्सप्रेस, गुजराती फिल्म है ये. गुलमोहर हैज गॉट द बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी. सो यू नीड टू नो दीज एटलीस्ट बेसिक फैक्ट्स, इवन इफ यू डोंट नो द होल स्ट्रेच ऑफ इट. ये बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फीचर फिल्म, दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नाउ पिछले वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, हमने देखा था अबाउट नोबल प्राइज, राइट? नोबल प्राइज फॉर विच फील्ड? फॉर मेडिसिन. आज हम देखेंगे नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर, बिकॉज ये आपने कल की वीडियो में देखा था. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिमेंबर हु वन द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन, ओके, और फिजियोलॉजी. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि आज हम करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड. सो वी आर गोइंग टू बी सीइंग दीज टू पीपल हु हैव वन. कौन है ये? प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड एंड प्रोफेसर जियोफ्री हिंटन. ठीक है, सो हॉपफील्ड एंड हिंटन, HH करके हम इसको याद करेंगे, बिकॉज सी देर आर लॉट ऑफ नेम्स दैट विल कम एंड ये कन्फ्यूजन हो सकता है. तो हमको ये कुछ टैक्टिक्स बनाने पड़ेंगे याद रखने के लिए अबाउट दीज नेम्स, बिकॉज आप केमिस्ट्री के लिए लर्न करोगे, इकोनॉमिक्स के लिए लर्न करोगे. सो नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड यू हैव टू नो दीज नेम्स, राइट? ये फैक्ट बेस्ड है. सो वील रिमेंबर एज हॉपफील्ड एंड हिंटन. तो इन्होंने किस वर्क के लिए इनको मिला है नोबल प्राइज? दे हैव गॉट इट फॉर, कैन राइट इट हियर, यहां पे दिया है, फाउंडेशनल डिस्कवरीज, इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. बाउंसर गया, कोई बात नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. ठीक है, जो हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, दैट वी सी इन द प्रेजेंट टाइम्स, मान लेते हैं चैट जीपीटी, या मान लेते हैं हमको वॉइस रिकग्नाइज करना है, या फोटो आइडेंटिफाई करना है, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स, राइट? द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वी सी टुडे, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं, उसके जो नींव है, उसके जो फाउंडेशन है, ये इन दोनों ने दी थी, राइट? सो दैट इज समथिंग, दिस टू टेक्निक्स दैट टर्म्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. क्या है, समझते हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल, वन मिनट, या
सो व्हेन यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, ओके ये क्या है मशीन लर्निंग, जो 1980s में हम देखते हैं, वी हैव हॉपफील्ड हु हैड स्टडीड अबाउट दिस, गेव अस सम इन रिसर्च अबाउट दिस, उनके बुक में यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च दिया है. दिस मेनली टॉक्स अबाउट जो डेटा है इसको कंप्यूटर्स लर्न करते हैं, ठीक है, जिसके कारण दे आर एबल टू प्रिडिक्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है. मशीन लर्न कर रही है सो दैट इट इज एबल टू गिव अस इंफॉर्मेशन लाइक अ ह्यूमन इटसेल्फ, दैट इज मशीन लर्निंग. इसके अलावा हमने देखा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ओके. So Hinton, he's also called as the godfather of artificial intelligence for a lot of backing given to artificial intelligence by him. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है with regard to artificial neural networks, ये क्या है. So हमारा जो brain है, brain consists of neurons, right? Neurons काम करते हैं, you know, to understand, to learn, to quick thinking, quick decisions लेने के लिए, है ना, neurons जैसे काम करते हैं. वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन एआई, इट्स बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स. ये इंटरकनेक्टेड नोड्स अपने मिस्टेक्स को, अगर उसने मिस्टेक्स किया, इसको आइडेंटिफाई कर सकता है. इट कैन आल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर, ओके. सो इतना आप डेटा उसको देते हो, यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स है वो भी ये कैच कर सकता है, अनलर्न कर सकता है, एंड इट कैन प्रेजेंट टू यू विद मोर डेटा. सो दिस इज वॉट इज लाइक अ, इट्स मिमिकिंग लाइक अ ब्रेन. जैसे आप खुद को समझाते हो, आपने लर्न किया कुछ मिस्टेक है, आपने अभी आपने ब्रेन को समझाया कि येस दिस इज रॉन्ग, नाउ आई डोंट हैव टू गो थ्रू दिस, अभी मैं इम्प्रूव करूंगी. सो सिमिलरली यहाँ एआई, आपके कंप्यूटर्स ऐसे ही काम करते हैं. और ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑल ऑफ दिस वर्क थ्रू दिस यू नो वेज, जैसे कि आपका मशीन लर्निंग इज, इट्स अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इटसेल्फ. सो दिस इज योर रिसर्च दैट हैज बीन गिवन by Hopfield and Hinton. Hopfield jo the, he has been a professor at Princeton University, USA, PhD from Cornell. And ye Hinton jo hai, he has been University of Toronto, Canada se, PhD from Edinburgh, UK. So this is with regard to unke baare mein, unke history ke baare mein, and jo unhone work diya hai. So here we just have to remember two important things. कौन है नेम्स Hopfield Hinton एंड उनका वर्क क्या है. इतना आपको आपने जान लिया, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू ANN व्हिच इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग. नाउ कल के वीडियो में ऑलरेडी आपने नोबेल प्राइज के बारे में देखा ऑफ कोर्स, बट वी विल सी इफ यू कैन गेट मोर डेटा विद रिगार्ड टू दिस. एंड एक बार रिवाइज भी करते हैं, राइट. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज इंश्योर कि आप हर दिन देखते हो वीडियोस, बिकॉज एक कंटिन्यूटी रहती है एंड दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेइंग अपडेटेड टू करंट अफेयर्स. सो फर्स्टली अल्फ्रेड नोबल की बात करें. हु वॉज अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल इज द वन हु इन्वेंटेड वॉट? डायनामाइट, राइट. ये आपने कल के वीडियो में देखा है, डायनामाइट किया था इन्होंने, एंड इन्हीं के ऑनर पे वी गिव द नोबल प्राइज. फर्स्ट नोबल प्राइज दिया गया था 1901 आफ्टर द डेथ ऑफ अल्फ्रेड नोबल, बिकॉज इन्होंने, इनका एक मकसद था कि जो भी साइंस में देर हैव बीन पॉजिटिव्स, राइट, देर हैव बीन गुड थिंग्स, और जिसने ह्यूमैनिटी में बहुत कुछ चेंज किया है, उनको अवॉर्ड करना चाहिए, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए. दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट गिवन बाय अल्फ्रेड नोबल, 1901 से हमने ये अवार्ड्स स्टार्ट किया. किन कैटेगरीज में दिया जाता है? देर आर सिक्स कैटेगरीज, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक साइंस, फिजियोलॉजी, मेडिसिन विच इज वन, लिटरेचर एंड पीस. कौन ये अवार्ड देता है? गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये देता है फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक साइंसेस. नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट गिव्स फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, एंड स्वीडिश अकेडमी गिव्स इट फॉर लिटरेचर. ओके, नॉर्वेजियन नोबेल प्राइज ये पीस प्राइज देता है. इनफैक्ट यहां में इकोनॉमिक साइंस अपने देखा था 1968, ये बाद में स्टार्ट हुआ. फर्स्टली वी एक्चुअली हैड जस्ट फोर, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन एंड लिटरेचर, सिर्फ चार थे. देन वी हैड द टू दैट वर एडेड लेटर. ये जो पहले के जो तीन है,
रॉयल स्वीडिश नोबेल अकेडमी कैरोलिंस्का एंड स्वीडिश, ये स्वीडन में ही अवार्ड दिया जाता है, वेर एज नॉर्वेजियन, ठीक है, ये ऑस्लो, ऑस्लो का कहाँ पे है, नॉर्वे, राइट, सो ये इसमें इस जगह में दिया जाता है द पीस प्राइज. Now we've already seen first Indian कौन था, कौन सारे Indians थे, ये कल की वीडियो already cover किया, so I'm not going to repeat it. But let us see the women. Women को ही award जिसको मिला है. So the first woman, if they ask you to win a Nobel Peace Prize or Nobel Prize, it is Marie Curie. ठीक है, chemistry physics के लिए इनको 1903, 1911 में ये award मिला है. So twice she has won the award, Marie Curie. The first Indian woman, agar pucha, it is Mother Teresa. Of course, she was an Albanian, but she settled in India and she lived there to work in Kolkata, right? So, inko Nobel Peace Prize mila hai. Youngest person to receive a Nobel Prize is Malala Yousafzai. ठीक है, इनको 17 साल की उम्र में Nobel Prize मिला था 2014 में. So, you need to know this. Let me ask you a few questions. Let me see how much you remember of yesterday's video. तो आपको यहाँ पे firstly medicine के लिए किसको मिला है ये आपको बताना है. You have to also tell me who's the first Indian to win the Nobel Prize. Okay. And in my previous discussion, मैंने discuss किया था father of Godfather, Godfather of AI, right? We talked about Hinton, जिसको बोलते हैं commonly. तो आपको मुझे बताना है father of artificial intelligence का नाम क्या है, ठीक है? So these are the questions that I have for you. You need to answer them in the comment section. I'm going to be discussing this in the next video. Let's now move to the next article. अगला article है with regard to PSLV C-37, जो ये रॉकेट बॉडी एंटर करती है वापस अर्थ में, ठीक है, इन अर्थ एटमॉस्फेयर. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन. तो इसरो का जो अपर स्टेज है ऑफ द PSLV C-37, ये री एंटर किया कब, संडे में अक्टूबर 6 को ये री एंटर करता है एंड इट इज प्रिडिक्टेड समवेयर इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे ये गिरता है. ये जो मिशन है कब था, ये मिशन आइडियली था February 15, 2017. तो ये मिशन जो PSLV का था, इट वेंट अप इन ऑन February 15 एंड इट वॉज वन ऑफ अ हिस्टोरिक लॉन्च. क्यों? बिकॉज इसने 104 सैटेलाइट्स को ऊपर लिया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट मिशंस, जहां पे इतने सैटेलाइट्स को ये ऊपर लेके गया. एंड अभी क्या हुआ, इसके अपर स्टेज वापस आया, ठीक है, इसका अपर स्टेज वापस आया कब, October 6, 2024, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स के बाद. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग अबाउट दिस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ये क्या ये हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था, हमने प्रिडिक्ट किया था दैट द री एंट्री विल ऑफ कोर्स हैपन एंड वी हैड प्रिडिक्टेड द री एंट्री जो है इट वॉज अबाउट 3:48 को 3:49 को ये आता है नीचे. सो दिस इज वॉट वी हैव सीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस डेब्री. व्हाट इज स्पेस डेब्री? जो फंक्शनल सैटेलाइट्स जब डीफंक्शन हो जाते हैं, यानी कि उनका जब ऑपरेशनल लाइफ खत्म हो जाता है, दे बिकम नॉन ऑपरेशनल, नॉन फंक्शनल. और ये जब फिर भी सैटेलाइट या अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, सैटेलाइट बन के घूमता है या इट जस्ट मूव्स अराउंड, ये चांसेस है कि दूसरे जो वर्किंग सैटेलाइट्स है इसको भी अफेक्ट कर सकता है, राइट? सो एम इज टू एंश्योर कि सबसे कम स्पेस डेब्री हो. ये जो स्पेस में जो कचरा है, कूड़ा है, ये नहीं होना चाहिए. दैट इज वॉट आर एम इज. तो इंडिया इसरो ने कमिट किया है कि इस डेब्री फ्री स्पेस मिशन में वी हैव टू योर बाय 2030 इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ आउटर स्पेस एक्टिविटीज. ये हमारा जो टारगेट है कि हमको इंश्योर करना है कि जो स्पेस डेब्री है इसको कम से कम हो. वी आर कमिटेड टू डेब्री फ्री स्पेस मिशन. Recently, यूरोप ने भी प्रोजेक्ट जीरो डेब्री, राइट, इन्होंने भी लॉन्च किया था, 12 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था. आई होप यू नो वी डन दिस इन आर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग इन आर प्रीवियस क्लासेस. तो इसरो का भी ये कमिटमेंट है. नाउ यर देर इज सम गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो ये है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी. इन्होंने रिकमेंड किया है
that you have to limit the post-mission orbital life of a defunct object in low earth orbit to 25 years. अभी ये क्या है? Let's understand. मान लेते हैं ये मेरा satellite है. ये satellite का operational जो term है ये खत्म होता है. मान लेते हैं 2024 में ये खत्म हुआ इसका काम. ये अभी non-operational है. So here within 25 years I need to take this down. ठीक है? I need to ensure the post mission जो है ये it should be taken down at least within 25 years. So ये जो हमने वापस लिया है, वापस में re-entry किया है, ये 8 years, that means it's well within the term of 25 years. ठीक है? ये जो orbital life है उसको 25 years से अंदर होना चाहिए. Should not be more than 25 years. नहीं तो ये space में कचरा और भी ज्यादा होते रहेगा. सो दैट इज द होल आर्टिकल फॉर यू. नाउ हियर वी नीड टू नो अबाउट पीएसएलवी. पीएसएलवी के बारे में, सो पीएसएलवी इज कॉमनली कॉल्ड एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. राइट? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. इसमें आपने कई बार सुना होगा बाहुबली एंड फैट बॉय. कैन यू टेल मी बाहुबली एंड फैट बॉय, दीज टू टर्म्स आर मेनली गिवन फॉर विच लॉन्च व्हीकल? ये जो दो टर्म है ये किस सैटेलाइट को दिया जाता है, लॉन्च व्हीकल को दिया जाता है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. किसको कहते हैं ये? ये कहते हैं पीएसएलवी को. व्हाई इज इट कॉल्ड? बिकॉज ऑफ द अडैप्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ हाउ फ्लेक्सिबल इट इज, हाउ इट टेक्स मिशंस टू द लोअर अर्थ ऑर्बिटर. बहुत हमने इसको यूज किया है. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो. नाउ इसमें चार स्टेजेस होते हैं. कितने? फोर स्टेजेस. और कौन से हैं ये स्टेजेस? यू हैव टू सॉलिड एंड टू लिक्विड, यानी कि यू हैव सॉलिड लिक्विड. तो ये आपका मैकेनिज्म है. ये हमने इसरो के क्लासेस में भी कवर किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंजन इसमें यूज होता है, इस इंजन का नाम है विकास. ठीक है? सो यू नीड टू नो दीज इंपॉर्टेंट की टर्म्स. जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, राइट, ये लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? ये है श्रीहरिकोटा में. और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में. ओके? एंड अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्च व्हीकल हम कहाँ पे डेवलप करते हैं, वेयर डू वी डेवलप दिस? विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन. विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन. सो इस सेंटर में हम क्या करते हैं? सैटेलाइट, ये जो लॉन्च व्हीकल्स है इसको डेवलप करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू नो अगर ऐसे पैसेजेस आपको आते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू एनजीटी. एनजीटी इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो इसने क्या किया है? इसने रिपोर्ट मांगा है. किससे? केरला गवर्नमेंट से. ठीक है? केरला डिपार्टमेंट से. एंड व्हाई इज इट आस्किंग अ रिपोर्ट? किसके लिए रिपोर्ट मांग रहा है? इन्होंने कहा है कि बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स, बहुत सारे घर कहाँ पे हुए हैं? इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला. ओके? सो दिस हैज हैपेंड विद रिगार्ड टू एनजीटी विच हैज आस्क्ड फॉर द डेटा फ्रॉम केरला. सो यहाँ पे आपने रिसेंटली सुना होगा केरला में बहुत सारे डिजास्टर्स हुए हैं. मान लेते हैं 2018 में फ्लड्स, या वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुए थे. ये तो रिसेंट हुआ था, राइट? सो इफ यू सी दैट, यस, केरला हैज बीन स्ट्रक विद अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स. इसके लिए हमने पास्ट में भी देखा है कि 2011 में गवर्नमेंट ने एक पैनल लेके आई थी, वेस्टर्न गार्ड्स एक्सपर्ट पैनल, राइट? सो एक्सपर्ट पैनल में हु चेयर्ड दिस? माधव घाटगिल. ये हमने पहले के क्लास में भी किया था, बट एक बार वापस से करते हैं. ठीक है? तो माधव घाटगिल ने ये कमिटी दी थी, एंड इसने कहा था कि जो वेस्टर्न गार्ड्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नहीं करने हैं. बट क्या हुआ? केरला गवर्नमेंट ने इसकी बात नहीं मानी. एक और एक रिपोर्ट आया, कस्तूरी रंजन. ये दो साल बाद, यानी 2013 में दूसरा रिपोर्ट आया, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट वॉज मच मोर डाइल्यूटेड देन द माधव घाटगिल रिपोर्ट. नाउ केरला इज ऑफकोर्स वेरी फ्रजाइल, वल्नरेबल टू डिजास्टर्स. क्लाइमेट चेंज की बात करें, कोस्टल सिटी है. सो एंड वी ऑल्सो सी द लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैपनिंग, विच मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स.
तो इसीलिए एनजीटी यहाँ पे थोड़ा सख्त बन रहा है. इट इज इंश्योरिंग कि यू नो ये जो केरला गवर्नमेंट है ये कुछ कर रही है फॉर द एनवायरमेंट कंसर्निंग द केसेस हियर. तो एनजीटी क्या है इसके बारे में आपको फैक्ट्स भी आ सकते हैं. सो लेट अस क्विकली सी अबाउट दैट. एनजीटी जो है 2010 में बना था एंड इट वॉज बेस्ड ऑन एन एक्ट. एक्ट का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. इसका काम है केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट लेना, केसेस रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. तो ये नेचर से रिलेटेड जो भी केस है ये यहाँ पे फास्ट ट्रैक होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में. स्पेसिफिकली ये सुनते हैं ऐसे केसेस और इनको ये केसेस को फाइल, मतलब जो फाइल हुए हैं दे नीड टू गेट डन विद इट विद इन 6 months. तो ये इनका टारगेट है. ओके, 6 महीने के अंदर अंदर दे हैव टू रैप अप द केस. वेयर इज द प्रिंसिपल सिटिंग ऑफ दिस? इट इज इन न्यू दिल्ली, बट अलग अलग ट्रिब्यूनल्स या प्लेसेस भी है जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई. ओके, सो पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, दीज आर द वेरियस सिटिंग्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल. कॉम्पोजिशन में कौन है? चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट पैनल. दिस इज लाइक अ कोर्ट ओनली, इट्स अ ट्रिब्यूनल, राइट. तो यहाँ पे कौन होते हैं इनके चेयरमैन? इट इज द रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये हमने समझा अबाउट द एनजीटी एंड विद रिगार्ड टू केरला. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड टू विद द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दिस इज विद रिगार्ड टू WHO. तो यहाँ पे आर्टिकल तो बहुत ही छोटा है, इसके बाद भी हम WHO का ही देखेंगे. सो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आर्टिकल. ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया ने प्लेज किया है कितने मिलियन डॉलर्स? $300 मिलियन. ओके, एंड व्हाट आर वी गिवन दिस फॉर? फॉर द WHO प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे 2005 से लेके 2008 जो कोर्ट प्रोग्राम्स है यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा. एंड दिस मेजर चंक ऑफ दिस विल बी गॉन टू द सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुष जैसी मेडिसिन है, राइट, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध. तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादा पुश दिया है, इसीलिए हमने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है. वॉट इज आर रैंक फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन? वी आर 6th largest. ठीक है, 6th largest कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कोर फंडिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ WHO के बेसिक्स आपको पूछ सकते हैं. सो WHO कब बना था? 7th April 1948 में, एंड दैट इज ऑल्सो वी सी 7th April इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड. And this, of course, is a specialized agency of the UN to ensure ki health se related jo bhi diseases, agar ek warnings dena hai ya agar guidelines dena hai, to ye body kaam karti hai, madad karti hai all over the world. So this was with regard to WHO. Now WHO ne aur ek disease hai jo trachoma kehte hain. Is trachoma disease ko kaha hai that India has successfully eliminated this particular disease. Naam kya hai disease ka? Trachoma. Now trachoma kya hai samajhte hain. Trachoma is an infection of the eyes. Theek hai, ye eye disease hai. To kaise banta hai? It is because of a bacteria. Ye bacteria ke karan hota hai and bacteria ka naam hai Clamdia trachomatis. ठीक है, ये इसका नाम है Clamdia trachomatis. और ये कैसे स्प्रेड होता है? दिस स्प्रेड्स थ्रू पर्सन टू पर्सन. ये अगर आपके यू नो आपने हाथ घुमाया आपकी आंखों में, इफ यू हैव ट्रकोमा, ये इजिली स्प्रेड हो सकता है. या कोई फ्लाई आपकी आंख में बैठ के, जैसे यू नो मोस्टली दिस फ्लाइज घूमते रहते हैं, तो ये फ्लाइज भी कैरी कर सकते हैं ये बैक्टीरिया. एंड ऑफकोर्स दिस कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इजिली. इंडिया में इनफैक्ट वी हैड डिक्लेयर्ड कि ये जो डिजीज है 2017 में ही खत्म हुआ था, बट अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यस, इंडिया हैज एलिमिनेटेड दिस इन द प्रेजेंट ईयर. ठीक है, नाउ वी आर नॉट द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट. पहली कंट्री 2012 में, दैट इज ओमान. और अगर हम इंडिया की बात करें, वी आर नॉट इवन द फर्स्ट कंट्री इन एशिया. अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें,
इंडिया इज द थर्ड कंट्री. ओके, सो जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज नेपाल लाओस ने ये कंबोडिया यहाँ पे उन्होंने खत्म कर लिया है दिस पर्टिकुलर डिजीज ट्रकोमा. सो दिस इज विद रिगार्ड टू ट्रकोमा विच इज एन आई डिजीज स्प्रेड बाई बैक्टीरिया. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज गिवन इन द हिंद इन द इंडियन एक्सप्रेस और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो एक्सप्लेन कर रहा है विद रिगार्ड टू द रीसेंट हैपनिंग्स. और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर के एक इशू किया है विद रिगार्ड टू द प्रिजन मैनुअल्स. अभी पूरा आर्टिकल सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस आर्टिकल फॉर यू. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, डिसीजन दिया है प्रिजन मैनुअल्स. प्रिजन मैनुअल्स मतलब क्या? जो प्रिजन के गाइडलाइंस मेंशन करते हैं, राइट? सो जो हर स्टेट में वी सी दैट दे हैव दीज गाइडलाइंस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अक्टूबर 3rd को दे हैड गिवन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. तो इस ऑर्डर को अभी हम डिस्कस करते हैं. Now, why did they give this ruling? क्यों ये struck down? क्या लिखा है ऐसे prison manuals में जो Supreme Court को कहना पड़ा कि ये prison manuals नहीं चलेंगे? Firstly, it was given by a plea by a journalist called as Sukanya Shanta. And ये जो prison manuals होते हैं अलग अलग states में, इन लोग क्या कर रहे हैं? They are assigning work based on a person's caste. ठीक है, ये अपने कास्ट के दौरान कि अगर कोई एक कास्ट का है तो ये काम करेगा, ये कास्ट का है तो ये टॉयलेट साफ करेगा. सो ऑल ऑफ दीज आर मेंशनड इन द प्रिजन मैनुअल्स. तो इसीलिए इन्होंने स्ट्राइक किया बिकॉज इट इज अफेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स. तो ये हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स. Now let's see what are the examples that are given in the article. जैसे कि मध्य प्रदेश के जेल मैनुअल में लिखा है कि लैट्रीन साफ करना, टॉयलेट साफ करना कौन करेगा? प्रिजनर्स फ्रॉम द मेहतार कास्ट, ये कास्ट करेंगे. वेस्ट बंगाल ने कहा है कि ऐसे ही कास्ट बेस्ड जैसे कि कुकिंग, ये कास्ट करेगी. ठीक है, तो ऐसे ही सेपरेटली बताया गया है. फर्दर हम अगर देखते हैं, this is kind of targeting caste, giving them, and of course this is violating our fundamental rights. And if you see kaise background hota hai, so background ki baat kare, British ke time pe we had the criminal tribes act 1871. Of course now it has been repealed, but abhi bhi aisa stigma continued hai even though this act is no longer in use. तो क्या कहता है 1871 का एक्ट? इन दिस ब्रिटिश अलाउड टू लेबल सर्टेन कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब्स. ये उनको अलाउ करते हैं नेम करना कुछ ट्राइब्स को एज क्रिमिनल ट्राइब्स एंड उनको ज्यादा सजा, राइट, सिवियर रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, कुछ एक्स्ट्रा काम किया जाता था. सो दोज ट्राइब्स हु आर कंसिडर्ड क्रिमिनल उनको दूसरे तरह के आप ट्रीट करते हो. इवन दो दिस 1952 में इसको खत्म किया, अभी भी ये फॉलो होता है और ये आप देखोगे प्रिजन के मैनुअल्स में. सो लेट अस सी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर एड्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. तो फंडामेंटल राइट्स हमने पॉलिटी में ही किया है. फंडामेंटल राइट्स दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और ये जो फंडामेंटल राइट्स है किस यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इट इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो यहां पे राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14, कास्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन अनलेस यू गिविंग बिकॉज रिजर्वेशन या उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो. अदर देन दैट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए एवरीवन इज इक्वल, राइट? राइट टू इक्वालिटी ये आपका वायलेट हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आर्टिकल 15, कौन से बेसिस में हम आर्टिकल 15 यूज करते हैं? आर्टिकल 15 व्हाट आर द केसेस, जैसे कि यू हैव रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 कैटेगरीज में आप डिस्क्रिमिनेट ना करो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में लिखा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी which is abolished, but ये आप फिर भी फोर्स कर रहे हो, राइट, बाय टेलिंग कि अगर लैटरिन साफ करना है तो मेहतार कास्ट करेगा. सो दिस अगेन इज कंप्लीटली नॉट फॉलोइंग दिस आर्टिकल.
followed by this we have article 21 okay each one has the right to life and liberty dignity se jeena to ye bhi jahan pe 14 hota hai 21 right we know this next one prohibition of forced labor आर्टिकल 23 यहाँ पे कहता है कि आप जो बेगार काम है या जो फोर्स लेबर है उसके अगेंस्ट विल के अगेंस्ट उसको काम करना है ऑल ऑफ दैट इज मेनली सीन मार्जिनलाइजिंग द सर्टेन कम्युनिटीज इन दिस रिगार्ड तो ये सब हम देखते हैं दीज आर द राइट्स दैट हैव बीन वायलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रिजन मैनुअल्स दैट आर गिवन So this is all with regard to this particular article and I hope you've understood a lot from today's discussion. Don't forget to watch the next video because agle video mein hum 20 questions discuss karenge aaj hi ke news se. So I'll see you there. Thank you so much for watching.